हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नया यूट्यूब चैनल रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज हम आपको कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर होता क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कंप्यूटर का बेसिक क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होता है उसमें। सो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? अगर जनरल टर्म्स में देखें तो कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें एक इंफॉर्मेटिक वे में आउटपुट देता है। ठीक है, अब हम आपको यहाँ जैसे समझाना चाहते हैं, जैसे ये डेटा है, डेटा कहाँ गया? कंप्यूटर में गया। कंप्यूटर मीन्स सीपीयू। ठीक है, सीपीयू में जाने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के होने के बाद ये हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का बेसिक काम यही है। अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कंप्यूटर होता कैसा है। तो आप सबों ने देखा ही होगा कंप्यूटर, इसको मॉनिटर कहते हैं, ये हमारा सीपीयू है, ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है, जिसके बिना ये पूरा कंप्यूटर चलेगा नहीं। ठीक है, ये कंप्यूटर के लिए ये चारों इक्विपमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम में है क्या क्या, काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहला पार्ट होता है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर एंड थर्ड यूजर। यूजर मतलब हम लोग। जब तक हम लोग यूज करेंगे नहीं तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। और कंप्यूटर चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो पूरा हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर में क्या क्या होता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। बट वो हार्डवेयर काम कैसे करेगा? सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी दूंगा मैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हार्डवेयर, आखिर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल पार्ट्स मतलब वो जो चीज जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, है ना। तो वो जो भी चीज जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर पार्ट हो गया कंप्यूटर का। और भी चीज़ें हैं जो सीपीयू के अंदर होता है, जैसे मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, वीडियो कार्ड, बहुत सारे हैं जो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। बट अभी हमें ये बेसिक ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट होता है। तो सबसे पहला हो गया मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, और हार्डवेयर को किसे कहते हैं? जिसको हम छू सकें, फिजिकली टच कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम। तो ये मेजर पार्ट्स इसलिए हैं कि इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए या जब तक ये सारे चीज़ें अवेलेबल होंगी उसके बिना कंप्यूटर हम यूज नहीं कर पाएंगे। मॉनिटर जो हमारा हार्डवेयर में एक मेन पार्ट है और कंप्यूटर का, वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर का डेफिनेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि आगे मॉनिटर होता क्या है, कैसे क्या काम होता है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, एक स्क्रीन है जिसपे हमें आउटपुट दिखता है, जिसपे हम कुछ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, जिसपे हमें कुछ भी देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी करते हैं उसको देखने के लिए हमें कुछ एक डिस्प्ले की जरूरत पड़ती है, जो मॉनिटर होता है जिसपे वो हमें दिखाई देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सीपीयू, सीपीयू क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो मेन काम है कंप्यूटर में वो क्या, कौन करता है? सीपीयू करता है।
जो भी हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वो पहले सीपीयू में जाता है, सीपीयू से वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट कहाँ मिलता है, मॉनिटर पे। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको सीपीयू को बोला गया। सीपीयू हमारा थ्री मेन पार्ट्स कंटेन करता है, जैसे कंट्रोल यूनिट जो डेटा को कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, कीबोर्ड। मेन पार्ट कीबोर्ड भी है। अगर हमें कंप्यूटर में कुछ इंफॉर्मेशन डालना है तो हम किसके थ्रू डालेंगे, कुछ तो हमें चाहिए इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा सीपीयू तक पहुंचाते हैं, यानी कंप्यूटर में पहुंचाते हैं, जिसके बाद वो डेटा सीपीयू में प्रोसेस होकर आगे हमें मॉनिटर पे आउटपुट देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कीबोर्ड। अब आते हैं माउस के ऊपर। माउस क्या है? माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम केबल के थ्रू, या अभी वाईफाई माउस भी आ गया है, वायरलेस ब्लूटूथ, जिसको हम सीपीयू से कनेक्ट करते हैं और हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन या क्लिक और कुछ भी कंट्रोल करने के लिए हमें माउस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब माउस का डिफिनेशन आप यहाँ पे देख लीजिए। ये माउस होता क्या है? इट्स अ डिवाइस दैट यूज टू कंट्रोल द कंप्यूटर। केबल कनेक्ट टू द माउस टू द कंप्यूटर। ये जो है डिवाइस, ये हमें कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो कंप्यूटर में मेन पार्ट हमने पढ़ा था अभी क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा? हार्डवेयर में हमने पढ़ा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर पार्ट। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टेलिंग द कंप्यूटर हाउ टू प्रोसेस डेटा। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जिससे हमें प्रॉपर आउटपुट मिल सके फॉर्मेटिक वे में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को भी यहाँ दो पार्ट में बांटा गया। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम आगे चल के अभी देखेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये पूरे ऑपरेशंस को, सिस्टम में जो भी ऑपरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है। ये कंप्यूटर के मेमोरी को इंस्ट्रक्ट करता है, उसका डेटा को स्टोर करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ये बेसिक मेन पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ट्रांसलेटर डॉस हो गया, विंडोज, यूनिक्स, ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? दे आर सॉफ्टवेयर रिटन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये देखना होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होता है कि जो हम किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एम एस ऑफिस यूज करते हैं, जैसे एम एस वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है, जैसे पावर पॉइंट यूज करते हैं। तो हमें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, एम एस ऑफिस, टैली, एम एस आउटलुक, ये सब अभी हम आगे बताएंगे, बट पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में मेन मेन क्या क्या होता है। ठीक है, अब बट जब हमने इतना पढ़ लिया, जब पता है कि कंप्यूटर होता क्या है, क्या क्या मेन पार्ट है उसके, सॉफ्टवेयर कौन कितने टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो हमें ये भी जानना होगा कि कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है। कंप्यूटर का एडवांटेज बहुत है। कंप्यूटर आने से हमारा लाइफ बहुत ईजी हो गया है। सबसे पहले तो आप देखते हैं स्पीड।
ठीक है, कंप्यूटर्स कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन अ मिलियन ऑफ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, काम कर सकता है। एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी मतलब कि हमारा डेटा कितना सही है कितना गलत, तो इंसान से एरर हो सकता है लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कंप्यूटर्स कैन डू द कैलकुलेशन विदाउट एरर्स एंड वेरी एक्यूरेटली। अगर हम कंप्यूटर से कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है। डिलीजेंस, डिलीजेंस कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू परफॉर्मिंग एनी टास्क गिवन टू देम रिपीटिवली, मतलब उसको कोई भी काम कितनी बार भी दे दें वो काम करेगा। ये नहीं होगा कि भाई एक काम आपने करा लिया अब ये काम नहीं करेंगे, तो उसको हम रिपीटिवली कितना कितने टाइम्स भी टास्क दे सकते हैं। अब उसमें आता है स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। तो अभी क्या है कि अभी हम कहीं भी लिखते हैं मैनुअली कॉपी में, तो हम स्टोर करने के लिए बहुत सारे जगह की जरूरत पड़ती है, जैसे डायरी मेंटेन करना, फाइल मेंटेन करना। बट कंप्यूटर में एक मैग्नेटिक मीडिया के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है जिसको हम कभी भी एक्सेस करके यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके बारे में हमें ये जानना था, अभी हमने ये जाना कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, और बेसिकली कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसके आगे पूरा डिटेल में बताएं आपको, और धीरे धीरे करके सारा सॉफ्टवेयर पार्ट बताना है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।